हेलो गाइस का आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैंने सोचा है कि मैं एक सीनरी बनाऊं और वो भी पेंटिंग ब्रश इस तरह के। और ये मेरे पास कुछ छोटे ब्रश भी हैं, तो मैंने सोचा कोई सीनरी बना लेती हूँ जो मेरे पास है। हाँ, तो इस पर भी हम वाटर कलर्स यूज़ करने वाले हैं। ये आपको आसानी से हर दुकान पे मिल जाएगा, स्टेशनरी की दुकान पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेंटिंग बनाना। तो सबसे पहले हमने ब्लैक कलर का ढक्कन खोल दिया है। तो अब हमें इस ब्रश को इसमें लेके कलर करने लग जाना है। आप ब्रश को कलर करने से पहले थोड़ा गीला भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं करी। आप देख सकते हैं आपको इसे अच्छे से कलर करना है इस तरह से। थोड़ा पानी यूज करेंगे। इस तरह से तो अब हमें इसे नीचे नीचे तक हल्का लाना है। और आपको जितना अच्छा करना है आप उतना इसे ब्लेंड कीजिए पानी के साथ। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है। तो अब आपको लेना है डार्क ब्लू कलर। उससे पहले आपको ब्रश को धो देना है, क्योंकि इससे ब्लैक कलर आपका ब्लू कलर को गंदा कर सकता है। तब हम इसको ब्लू कलर में डुबा सकते हैं इस तरह से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें इसे यहाँ से स्टार्ट करना है और ये अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। देख सकते हैं ये इस तरह से हो रहा है। थोड़ा और कलर लेंगे। तरह से मैं इसमें ब्लू कलर दिखा देना है। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर्स होंगे तो और भी अच्छा होगा। मेरे पास वाटर कलर्स थे तो मैं वाटर कलर से कर दूँ इस तरह से। तो आपको मेरी पहली वीडियो भी अच्छी लगी होगी तो आप उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको मेरी और वीडियोस चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब उससे भी कर दीजिएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये ब्रांड। हाँ, तो ये मेरा दूसरा चैनल है और ये मैं दूसरे फ़ोन से बना रही हूँ, तो आप उसे भी कर दीजिएगा। और मैंने उसमें दो वीडियो बना रखी उस चैनल में, आप उसे भी कर दीजिएगा। उसमें मैंने दिखा रखा है कि एक फ्लावर थंब पेंटिंग से कैसे बनाना है, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। ये बहुत अच्छा है और उसमें भी मेरा मुनी नेगी ही है, तब जरूर देखिएगा। चैनल का नाम मेरा मुनी नेगी है। हाँ, तो हम क्या कह रही थी कि हमारा दोनों चैनल का नाम मुनी नेगी है, तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैंने इस पे डार्क ब्लू कलर भी कर चुकी हूँ जो अब बहुत सुंदर लगना है।
तो अब हम इसे फिर से साफ कर देंगे। तो अब हम करेंगे स्काई ब्लू कलर। तो वो जो आपके पास ब्लू कलर का होता है 20 रुपए का वाटर कलर आता है, उसमें से डार्क ब्लू होता है, ब्लू नहीं होता है, तो आप इसे बना सकते हैं वाइट और ब्लू को मिक्स करके। तो अभी हम वाइट और ब्लू को मिक्स कर देंगे। हाँ, तो मैंने वाइट और ब्लू कलर ले लिया है जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हमें इसको मिक्स करना है इस तरह है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा दिख रहा है। थोड़ा आपको ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर ऊपर ले लेना है ताकि ज़्यादा सेम ना दिखे। पानी भी यूज़ कीजिएगा बीच बीच में इस तरह से ताकि अच्छे से स्प्रेड हो पाए। वरना स्प्रेड नहीं होगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बस आपको पहले इतना ही करना है, अब ब्रश को रख देना है। हाँ, तो गाइस मैं क्या कह रही थी कि जो मैंने देख रखा है कि मैं वाटर कलर इसी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सबके पास अवेलेबल होते ही होते हैं। और मैंने देख रखा है कुछ चैनलों में, अब हम ब्लू कलर लेंगे, कुछ चैनलों में देख रखा है कि वो ऐसे पेंट्स यूज़ करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं जो हर किसी के पास नहीं पाए जाते, इसलिए मैं आपको वाटर कलर से करा रही हूँ। तो आपको इस तरह से पहले इसमें लकीर खींचनी है जैसे मैंने पेंसिल से खींची। मैं आपको इससे पहले थोड़ा स्प्रेड करना है। थोड़ा सेम लग रहा है तो मैं इसमें डार्क ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ। देखिए ये अच्छा लग रहा है। अब हम इस सारे कलर को जो हमने बनाया था उसे हम यूज करेंगे। तो मैं कर रही हूँ और बस ये अभी रेडी होने वाला है। ये जब रेडी हो जाएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। कर रहे हैं तो अब आपको ब्रश को धो देना है। आपको जो पेंटिंग ब्रश है वो इस तरह से जो आप कलर यूज करेंगे वो नीचे नीचे हो जाएगा। तो पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी अपने मम्मी पापा की। ये आसानी से नहीं धुलने वाला क्योंकि मैंने भी यूज कर लिया है।
हाँ तो अब हम यूज करेंगे ब्लैक कलर। तो अब हम यूज करने वाले हैं ब्लैक कलर। हमने इस ब्लैक कलर को ले लिया है। अब हम कलर करेंगे। ये अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए तब ये अच्छा दिखेगा। देखिए इसका जो ब्लैक कलर है वो बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरी ड्राइंग पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, ताकि मैं आपके पास और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। तो ये देखिए मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। तो मैं इसे अभी कर ही रही हूँ। तो ये नीचे का भाग भी बन चुका है। तो अब इस ब्रश की हमारे जरूरत नहीं है अभी, तो हम इसे अभी रखते हैं। अभी हमें चाहिए एक ब्रश जो वाटर कलर में आ ही जाता है। बोर मत होइएगा क्योंकि मेरी वीडियो लंबी जाने वाली है थोड़ी सी। तो हम अभी यूज़ करेंगे ब्लैक कलर को। पहले इसको थोड़ा आप गीला कर लीजिएगा तभी आप यूज़ करिएगा। इस तरह से कलर ले लिया है और आपको इसे इस तरह से करना है। तरह से तो बहुत लोगों की परेशानी कि जब वो कलर करते हैं तो ये थोड़ा धुंधला हो जाता है और इसके पीछे जो कलर है, मतलब ये जो मैंने कर रखा है ब्लू कलर, वो दिखने लग जाता है। तो उसका ये आइडिया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कलर लगाना है। हाँ तो ये बन गया, मतलब अभी थोड़ा रह रखा है और जल्द ही बन जाएगा। पहले पहले आपको थोड़ा अजीब दिखेगा पर बाद में ठीक हो जाएगा। आपको इसकी टहनी थोड़ी मोटी करनी है तो आप कर सकते हैं। नीचे नीचे ज़्यादा मोटी होनी चाहिए क्योंकि पेड़ नीचे से ही मोटे होते ज़्यादा। देख सकते हैं ये बन चुका, अभी थोड़ा रह गया। अब हम यूज़ करेंगे सबसे पतला ब्रश। तो अभी हमें इसे भी गीला करना है इस तरह से और अब हमें वाइट कलर चाहिए। वाइट कलर थोड़ा गंदा हो गया पर डोंट वरी। आपको इसमें स्टार बनाने हैं।
से, और आप चांद भी बना सकते हैं। मैंने देखा कि मेरी पहली वीडियो में व्यू तो ज़्यादा लोगों ने करा है, पर उतना लाइक नहीं किया है, तो जो जो देखते हैं वो लाइक भी ज़रूर कीजिए। बस बनने वाले बोर मत होइए। तो बस ये स्टार बनाना है आपको। तो अब आपको ये वाला ब्रश निकालना है। डार्क ग्रीन लेना है। और बस आप चारियां बनानी है तो बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए ये चारियां आपको बना देनी है। छाड़ियाँ बन रही है। तो इस तरह से हमने कर दिया है। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा पहले से बेहतर। हाँ तो ये मैंने कर दिया है। अब उसके बाद हमने हल्का सा ब्लैक कलर लेना है। तो आपको करना है तो आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर मैंने इसको स्प्रेड किया है, क्योंकि झाड़ियाँ जब पेड़ थोड़ा ब्लैक दिख रहा है तो झाड़ियाँ थोड़ी ब्लैक तो दिखनी चाहिए ना। तो इस पर मैंने हल्का ब्लैक कलर करना है कि सोचिए। हाँ तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने अभी तक इतना ही करा है इस तरह से। आपको ये आइडिया ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी है। और आप कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों से कि वो भी ऐसी ड्राइंग बनाए। जैसे आपकी झाड़ियाँ और भी अच्छी लग रही है। बहुत
थोड़ी तो हमारा बस थोड़ी ही देर में कंप्लीट होने वाला है। छोटे ब्रश लेना है, फिर से व्हाइट कलर लेना है, आपको इसे लेना है, इस तरह से आपको इसे स्प्रेड करना है। इसमें थोड़ा स्पार्कल आ जाएगा इसकी वजह से। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी और चमक आ गई है। तो बस ये वीडियो खत्म। तो लाइक शेयर। हाँ तो अब ये पूरा हो चुका है, तो इस वाइट वाइट की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको इसे जब लालिमा आती है आपको उस तरह की वीडियो मतलब जी हाँ तो जब सनसेट होता है तो मैंने तब की भी वीडियो बना रखी है, मतलब वीडियो नहीं बनाई, ड्राइंग बना रखी है। आपको चाहिए कर तो मैं आपके लिए फिर से। तो ये है उसका सेकेंड पार्ट, ये मैंने बना रखी है जब सनसेट हो जाता है और ये रात की। तो आप ज़रूर शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।